मैडम। अरे नमस्ते, तो ठीक है। हमने के सुना है आंटी। अरे हमने तो यो तक सुना है कि जब आंटी नाच जावे ना, तो फिर क्या तो कैटरीना और क्या तो कैरीना और क्या तो माधुरी और क्या तो श्रीदेवी। ये क्या कह रही हैं आप मैडम हैं? ऐसे तो कुछ ना है, हाँ? कड़ी खोल गई। गाय आ गई क्या? मेरे कहने का मतलब है कि मैडम आपने है ना बिल्कुल सही पहचाना। अरे मोहल्ले में कोई भी शादी हो या फिर बारात हो, अरे मेरी मम्मी तो सबसे आगे आगे धमक धमक के नाचती है, मीना लाइन नहीं देती। फिर अब तो आपके बेटे ने भी बोल दिया आंटी, अब तो आपको नाच के दिखाना पड़ेगा वरना आंटी पुलिस नचा लेगी। अरे मेरे पे कहाँ डांस आ रहा है, तू यूं बता है मेरे पे डांस आ रहा है? ये इसे डांस क्या कर रहे हैं क्या? ये टक चिक टक चिक टक चिक टक चिक टक चिक टक चिक टा 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 थे टक चिक टक चिक टक। बस बस बताओ इसे कोई डांस के में भाई। वाह, व्हाट ए नाच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि एक लेडीज जिसके पांव में मोच आई हुई हो वो कतई नाचे मयूरी हो गई। दर्द बढ़ गया मैडम। हाँ। चला चला आंटी, ज्यादा यहाँ नाटककार होने की जरूरत ना है। सब बेरा है कि किस तरह यो मोच का बहाना करके नाटक करके तुमने अपने दामाद को उसके दोस्त का बर्थडे तक ना मनाने दिया। बताओ मैडम, पिलर मजबूत से। भाभी आप लोग ना ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं आपको बताऊं। आप मेरे से मेरे बचपन के दोस्त गप्पू, मेरे मेरे बेस्ट फ्रेंड को मुझसे दूर कर रहे हो। मैं बताए दे रही हूँ, ऐसा है। Excuse me, ladies and gentlemen. One moment, please. Yeah. Hello, Gopes inside. हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, मैं यही हूँ। दिल में कहाँ जाऊँगा? मैं यही कह रहा हूँ ना, यही हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तुम दोनों कुछ बोल दो। अरे यार, मैं यहाँ केस सॉल्व करूँ? मैं कुछ बोला बोली करूँ मैं यहाँ पे? पैगी कलेजे ठंड। हाँ, घर पे आऊंगा और कहाँ जाऊंगा? किसका भाभी जी का फोन था ना भैया? आपको लताड़ रही थी ना। तुमने क्या करना, काम कर अपना। जब तेरी शादी होगी ना, तेरी बीबी तेरी खुशियों पे कर्फ्यू लगाएगी ना, फिर पता चलेगा। तुसी बोलो जी, ये तो रोज का है यहाँ। देखा, तुम जैसी कुछ शादीशुदा औरतों की वजह से तमाम शादीशुदा औरतों का नाम खराब हो गया है। मैडम प्रॉब्लम मुझे चप्पू से नहीं, गप्पू से। वो क्या है ना, मुझे छोड़ छोड़ कर अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं, अचार की बर्नी खा ली है। अरे यार जर। देखो ऐसा है, तुम्हारी प्रॉब्लम का मन ने एक आसान सा क्लियर कट सॉल्यूशन देखे। आपस में एक दूसरे को जानो, जरा पिकनिक पे जाओ। हाँ सही है, और इस बहाने आप अपनी वाइफ के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाओगे और साथ के साथ अपने फ्रेंड के साथ भी। ठीक है, माने मंजूर छे, पिलर मजबूत छे। ठीक है गप्पू, तुझे मंजूर है ना? और तो मुझे भी मंजूर है, राशि अमृतसर में है। ये पिकनिक। अरे मैं क्या सुनो, मैं आप लोगों को ना एक बढ़िया पिकनिक की जगह बताता हूँ। एक बकवास गार्डन है, बहुत जबरदस्त है। सीधी अभी मैंने हिम्मत हारी ना है, तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। कड़ी खोल गई, ओचोर की बोरनी खाली है। भैया आप अपने दोस्त चरसिया के साथ पिक्चर देखने गए थे ना नाइट शो में, फिर आपने बताया नहीं कि क्या हुआ? स्यापा पड़ गया मेरे घर में तुम लोगों की वजह से। तूने और सर ने मुझे चढ़ाया कि मैं फिल्म देखने जाऊं चरसिया के साथ। पर हुआ क्या भैया? यार होना क्या है, जब घर पे वापिस आया तो मेरी बीवी डंडा लेके बैठी थी। पर आपने भाभी जी से कहा क्या था? मैंने अपनी बीवी से कहा था कि मेरी ड्यूटी ना स्टेडियम में लगी है, वहाँ चल रहा है इंडिया की क्रिकेट टीम का मैचेस था, मुझे क्या पता था मेरी बीवी टैट कर देगी मेरे पेचेस था।
मतलब भाभी जी को पता चल गया कि आपने उनसे झूठ बोला था। हाँ। लेकिन कैसे? अब कैसे बताऊँ यार, उसको ना टीवी देखने का बड़ा शौक है। उसने टीवी ऑन किया, गलती से न्यूज चैनल लग गया। न्यूज चैनल में बता रहे थे कि इंडिया की क्रिकेट टीम ना ऑस्ट्रेलिया गई हुई है मैच खेलने के लिए। तो मेरी बीवी ने सोचा भी अगर इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई है तो मेरे पति देव कहाँ हैं? डंडा बहुत मोटा था क्या भैया? बहुत मारा भाभी जी ने आपको? पहला डंडा कहाँ मारा? ले ले पुत्रा, मजे ले ले तू, ले ले मजे। तेरी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तू मेरे से ये सवाल कर रहा है। काश काश कि मेरी शादी हुई होती भैया। मैं तो चाहता हूँ ना कि मेरी शादी हो तो सही मेरी पहले शादी, फिर चाहे मारे ना मुझे, डंडा मारे कैसे मारे, कुछ कर दे वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हो तो सही ना, मेरी शादी हो ही नहीं रही है ना। Oh my God! ये तो गप्पू चप्पू दोनों हैं फ्रेंडेस दा, लेकिन एक दूसरे का क्यों बजा रहे हैं बैंडेस दा? ये देखो जी, पिलर मजबूत से है। क्यों हो गया? क्यों समोसे के आटे की तरह गुथे हुए हो? मैं समझ गया मैडम, ये केस मेरे दांत और आईने की तरह साफ है मैडम। इन दोनों की ये हालत गप्पू की बीवी और गप्पू की सास ने की है, और मेरे फाजिल दोस्त यहाँ पर खाम खा अदालत का वक्त जाया करने के लिए आए हुए। सुला दे अपने अंदर के मेरी जंग के ठकराल ने, सुला दे जी। वेल मॉम, ये दोनों एक दूसरे को रहे थे पीट इज द, मार रहे थे लात घूसे थप्पड़ और ईट इज द। भाई धर्मवीर की जोड़ी आपस में कैसे पिटपिटा गई? अरे तुम तो घूमने फिरने गए थे, आपस में कैसे घुमा फिरा दिया हाथ? क्या हो गया मैडम? आप ये बात में इस गप्पू से पूछिए मैडम, जिसने मुझे नाकारा, आवारा, दो कौड़ी का और पता नहीं क्या क्या कहा मैडम, इससे पूछिए। देख लीजिए भैया, आपके अलावा भी ऐसे लोग हैं। मैडम आपको पता है भाभी जी है ना, उन्होंने कहा कि उनकी मौसी की एक बेटी है जो कुंवारी है, राशि अमृतसर में है। क्या बात कर रहे हो, कुंवारी है? मतलब गप्पू जी आपने मुझे बताया नहीं, कोई रिश्ते की बात चला लेते, कुछ कर लेते तो फिर बताना चाहिए ना कि आपकी साली कुंवारी है। मेरी भी तो अभी तक कोई शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मैं। हाँ भाई, ओ शादी को आतुर, दो मिनट रुक जा, करवाएंगे हम, करवाएंगे बिल्कुल, हम बिलौटा दान हम ही करवाएंगे, है ना? कन्यादान तो होगा नहीं तुम्हारा, हम ही करवाएंगे, डोंट वरी, दो मिनट बाद। बोल भाई चप्पू। मैडम मेरी भाभी है ना, जो उन्होंने कहा कि वो मेरे रिश्ते की बात अपनी मौसेरी बहन के साथ चलाएंगी मैडम, तो ये मेरा दोस्त गप्पू, आपको पता है इसने क्या किया मेरे बारे में? इतना बुरा भला कहा भाभी को, कहा कि तुम अपनी बहन को कुआं में धक्का दे देना, लेकिन मेरे दोस्त चप्पू के साथ शादी मत करना। अरे मैडम राशि अमृतसर में है। अबे तू दोस्त है, फालतू आदमी है तू। क्यों तने जो है अपने जहाँ दोस्त की कहीं शादी की बात चल रही, तने बुराई करके इसकी क्यों काम तने खराब करा है? क्योंकि ये मेरा दोस्त है, सो स्वीट। ओहो दोस्त, तुमने दोस्ती के छोले के साथ इसे धोखे का भटूरा खिला दिया, तुमने फ्रेंडशिप के शरबत के नाम पे इसे अपमान का जहर पिला दिया, और तुमने इसके साथ कैसी बातें कर रहा है यार यो? अपमान का जहर शरबत, आर यू अ कवित्री? No. हाँ मैडम, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, सो स्वीट। और मैडम मैं आपको बात बताऊं कि जिस शादीशुदा जिंदगी के सूखे स्विमिंग पूल में मैं जो गोते लगा रहा हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त जो कि बहुत सो स्वीट है,
वो भी आग के कुएं में कूद जाए मैडम, पिलर मजबूत छे। मैडम वो लड़की और वो जो उसकी माँ है ना, वो कैसी है ना, वो आप जिग्नेश से पूछिए। ए जिग्नेश बोल ना कि वो दोनों कैसी है, मैडम को बता ना पिलर मजबूत छे। हाँ मैडम मैं बताता हूँ आपको। मैडम बात ये है कि जो मेरी मौसी की बेटी है ना, अरे वो तो मेरी दीदी से भी दो कदम आगे है। हाँ और मेरी मौसी के बारे में तो बिल्कुल मत पूछिए, वो तो मेरी मम्मी से 10 कदम आगे है। जीजू एकदम सही कह रहे हैं, मीना लाइन नहीं देती। चल हट। थारे कहने का यो मतलब है कि तैने इसकी बुराई इसलिए वहां करी क्योंकि तू नहीं चाहता था कि इसकी शादी उसी परिवार में हो जिस परिवार ने थारा बैंड बजा रखा है। हाँ मैडम, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, सो स्वीट। वेल चप्पू, अब तुम दोनों मिलो एक दूसरे के गले इज्दा, नीले गगन के तले इज्दा है। हाँ दादाजी। गप्पू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे, मुझे भी माफ कर दे, यो सो स्वीट, पिलर मजबूत छे, यो माय बेस्ट फ्रेंड, यू माय बेस्ट फ्रेंड, थैंक्स। चलो भाई यो भरत मिलन भी बढ़िया हो गया। इब मन ने जरा एक बात का जवाब दो कि चप्पू गप्पू ने यो सारी जो बातें करी थारी बुराई यो थारे सामने करी थी? नहीं मैडम। तो तेने कैसे पता लगा कि इसने थारे लिए कहा है बुरा भला? गप्पू की सास ने। बस यो ही तो बात है, माँ बेटी घनी चालू है, वो जानबूझ के तुम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग कराना चाह रही है ताकि तुम में फूट डल जाए और यो मित्रता दोस्ती टूट जाए। मैडम मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। अब मैडम मुझे मेरी बीवी और मेरी सास से छुटकारा पाना है ना, तो मेरे पास सिर्फ एक ही इलाज है कि मैं ना मैं अपनी जान दे दूं। पिलर मजबूत से। अबे जाता है ड्रामा क्वीन मधुमति होने की कोई जरूरत ना है, जरा सी बात हुई नहीं की जान देने को। बेटा इब तू देख मैं कैसे थारी सास और बीवी ने सही राह पे लाती हूँ, पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि किसी और को बैकुंठ की राह दिखा दूँ। आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटुकला चंटुकला पिंटू पंटुकला आइडिया आ रहा है। तो तने पीट पीट के पिंटू बना दूंगी फिर देगा आइडिया? तो कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। ओहो गुड आइडिया। हरे कृष्णा पंडित जी, हमने तो ना बुलाया आपको, गलती से आए। पंडितों का क्या है माताजी, पंडित तो अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता, वो तो जजमान के हिसाब से चलता है, बस आ गए इच्छा खींच लाई। ओए होए होए होए, कुंडली क्रैक है, बढ़िया मेरा ट्रैक है। ओ जय श्री कृष्ण पंडित जी। एक विशेष कार्य से हमारा यहाँ आगमन हुआ है, आपके पागल से सुपुत्र के लिए एक बढ़िया रिश्ता लेकर आए हैं। ए जिग्नेश, ए जिग्नेश। अरे आया आया दीदी। अरे जल्दी आ। अरे पंडित जी तेरे लिए एक लड़की का रिश्ता लेके आए हैं, अचार की बर्नी खाली है। सच? बात दरअसल ये है कि कन्या करोड़पति खानदान की एक लौती बेटी है। हाय दैया मोरी मैया। आप भी कमाल करते हैं, बड़े मजाकिया हैं आप। आप बताइए आपकी आंखों की दाद देनी पड़ेगी। आपको मैं और सीधी बहने लग रहे हैं, कड़ी खोल गई। और की ये तो बड़ी है ही और आप छोटी है। अरमेश ठीक है राम, उतर मुझे जीजू पसंद है। बहन जी ये हमारी मम्मी जी हैं। हाय मतलब मैं मम्मी हूँ ना इसकी, तो मेरी बेटी मुझे मम्मी मतलब ऐसे ही प्यार से बहुत इज्जत करती है जी, बहुत लड़की, बस पूछो ना। मैं तो कहती हूँ हमारी कुड़ी जी बिल्कुल
और सुशील है, सुशीला नाम है इसका, बस मुंह में जुबान ही नहीं है इसके। मुझे जीजू पसंद है। जी भगवान का दिया जी सब कुछ है जी, वाहेगुरु की कृपा है जी, मेहर है जी, वाहेगुरु। बहुत कमी है ना, तो एक बेटी की कमी थी, बाकी तो गेंदा कचरी की महफिल सजी है। हमारा कहने का मतलब है कि वो गेंदे का जो फूल होता ना, उसका सेंट परफ्यूम नहीं है हमारे पास, वो इन्होंने कभी दिया ही नहीं। भाई हमें 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 जो है वो इलाका पसंद है जिग्नेश। शादी आपको थोड़ी ना करनी है, वो तो लड़के को लड़की पसंद आनी चाहिए ना। अचार की बर्नी खाली है, पर आपकी लड़की कुछ बोलती नहीं है क्या? अब क्या बताएं जी, ये बचपन से ही इतनी संस्कारी है कि पूछो मत। बड़ों के सामने तो ये जुबान खोलती ही नहीं है, बस हम तो बस इतना कम बोलती है, कई बार तो हमें भी शक हो जाता है क्यों इतना शर्माती है ये। भगवान सबको ऐसी कुड़ी दे जी, मैं तो ये कहती हूँ। मुझे जीजू पसंद है। वही सारी कुड़ी के बारे में क्या कहें, हाँ। बहुत सोनी लड़की है, चुप रहती है, she's a very good cow. अब cow, गाओ गाओ, गाय जैसी cow, वाह भाई। अरमेश, ठीक कराओ ना पुत्र। मुझे जीजू पसंद है। निकल बाहर, निकाल इसको, निकाल बाहर इसको, निकाल। शचुंदर की शक्ल वाला हीरो बनने यहाँ पे, चमगादड़ से भी गया गुजरा है तो उसका भी रोल नहीं दूंगा तुझे। ना ना मेरा पुत्र ना, ओ बिल्लू चुप करके साहू बन के बैठा रहा। मीना लाइन नहीं देती भाई। मीनल कौन है पुत्र? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये तो इसकी बोलने की आदत है। अच्छा, इसे बोलने की आदत है, हमारे पुत्र को भूलने की आदत है। पहले एक मिनट सुशीला, ओ पुत्र सुशीला, मुंडा पसंद है, चंगा है, सोना है, पसंद है, कर दे हैं, पढ़ा दे इसे हैं। अरे सीधी, कितनी सीधी लड़की है, दब के रहेगी। आए, आए। तरस से मैं कैसे सबके सामने बोल दो दीदी। मुझे जीजू पसंद है। मुझे है पसंद। डाली डाली भाई डाली। और मुझे भी सुशीला बहुत पसंद है। वाह भाई वाह भाई वाह। मुझे जीजू पसंद है। चलो जी, अब तो वो चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं गुरुद्वारे में। भाई साहब, गुरुद्वारे में क्यों? भाई हमारे परिवार की परंपरा है, सारी शादियां गुरुद्वारे में ही होती हैं। ठीक है। अरे सीधी, मैं क्या कह रही हूँ, अरे ये गुरुद्वारे में करें चाहे सड़क पे करें, हमें क्या लेना देना है? करोड़पति लड़की तो घर ही आ रही है, कड़ी खान गई। आपने कुछ कहा? कुछ ना, सलाह मशवरा कर रहे थे, सब ठीक है। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी, आपने जैसा जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब अगर मेरी आपके साथ मंदिर में शादी हो गई तो मेरी मीनल का क्या होगा? मैं तो अहमदाबाद जाके मीनल से ही शादी करूंगा, मीनल लाइन नहीं देती। ए, मैं के मरे जा रही हूँ थारे से शादी करने को। अबे यो सोच सलमान का क्या होगा।
आधी नकली होगी ना ऑब्वियसली। पंडित नकली होगा, मंत्र नकली होंगे, शादी नकली होंगी। ये बेकार के क्वेश्चन पूछ के ज्यादा नर्वस मत हो, हिम्मत से काम ले। इस खेल में थारी हिम्मत का सबसे ज्यादा काम है, समझा कि नहीं? ऐसी बात है तो मैं अपने जीजू के लिए कुछ भी करूंगा, मीना लाइन नहीं देती। वेल, तुम्हारी मम्मी और बहन को सही रास्ते पे लाने के लिए मॉम के पास है अगला प्लान, इस दा जिसे सुनो तुम खोल के कान, इस दा टन। ये पता लगेगा थारी मम्मी और थारी दीदी को कि कौन है खिलाड़ी नंबर वन। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.